एक बार हुआ इलाहाबाद में सर्कस लगा, बस इन्हीं पंक्तियों में बुलाना चाहूंगा आदरणीय धर्मराज जी को। सर्कस का खेल लगा, सर्कस में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु बंदर भालू इत्यादि रहते हैं, उसमें एक शेर भी था। शेर का अचानक पिंजरा खुल गया और शेर जंगल की तरफ भाग गया। सर्कस वालों ने घोषणा कर दिया कि जो हमारे शेर को पकड़ लाएगा उसको 20,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। धर्मराज भाई वही थे, इन्होंने कहा सर आपके शेर को मैं पकड़ लाऊंगा, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, बशर्ते मेरी एक शर्त है, मुझे गाय की खाल की व्यवस्था किया जाए। मैं गाय की खाल को ओढ़ कर जाऊंगा, शेर गाय समझकर मुझे खाने आएगा और मैं पकड़ लूंगा। गाय की खाल की व्यवस्था की गई, गाय की खाल ओढ़ कर धर्मराज भाई निकल पड़े। 10 मिनट बाद वापस आ गए। सर्कस वालों ने कहा अरे भाई आप शेर को पकड़ लाए, इन्होंने कहा शेर को मारो गोली, पहले ये बताओ जब मैं गाय की खाल ओढ़कर यहाँ से निकला था हमारे पीछे सांड कौन छोड़ दिया था। जोरदार तालियां बजाए धर्मराज उपाध्याय बाराबंकी। बहुत 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 धन्यवाद कहता हूँ और आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। भाई साहब पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ और भैया थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो हमारा भी चल जाएगा, नहीं तो उधर तो चल ही रहा है। खैर पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूँ, कहीं भी कविता पढ़ने जाता हूँ, मंच पे जाता हूँ तो एक बहुत बड़ी समस्या मेरे सामने संचालक जी आती है। समस्या ये आती है कि अभी पिछली जगह मैं जहाँ कविता पढ़ने गया वहाँ सामने एक नौजवान बैठा हुआ था। मैं फिर गई, मैंने कविता जैसे शुरू की बहुत जबरदस्त हास्य कविता शुरू की, वो आंख लाल लाल करके मेरी तरफ देखने लगा, एकदम लाल लाल आंख करके। हमने कहा यार मैंने इतनी अच्छी कविता सुनाई, तुम इस तरह आंख लाल लाल किए बैठे हुए हो, क्या बात है, क्या कविता ठीक नहीं है, पसंद नहीं आई? उसने कहा कविता तो तुमने बहुत अच्छी पढ़ी है, पसंद भी आई है। तो हमने कहा फिर आंख क्यों लाल किए बैठे हो? तो वो बोला कि तुमने मेरा चाला चालान किया था। वाह, जब काम की बात आती तो आवाज ही गायब हो जाती है यार। उसने कहा कि कविता बहुत अच्छी पढ़े हो लेकिन मैं इसलिए आंख मेरी लाल है क्योंकि तुमने मेरा चालान किया था। वाह वाह, बहुत बड़ा बेंदे भाई। हमने कहा परिस्थितियां रही होगी, चालान करना पड़ा होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा। वाह वाह क्या बात है, वाह विक्टर भाई एक माला धर्मराज भाई को जरूर पहनाएं आप। हमने कहा परिस्थितियां रही होंगी, चालान करना पड़ा होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा, वो सब बात की बात है, अब वो सारी चीज भूल जाओ, अब मैं कविता पढ़ता हूँ और कविता का आनंद लो। उसने कहा ठीक है मैं सारी बात भूल गया हूँ, आप पढ़िए कविता। मैंने उससे भी अच्छी कविता पढ़ी, वो और आंख लाल करके मेरी तरफ देखने लगा। वाह, और आंख लाल कर लिया हमारी तरफ। हमने कहा भाई तुमने कहा था कि मैंने तुम्हारा चालान किया है, ये बात तुम भूल गए हो तो फिर आंख लाल किए क्यों बैठे हुए हो? उसने कहा कि तुमने मेरे बाप का भी चालान किया। क्या बात है, वाह वाह भाई वाह, क्या बात, एक बार मजा आए तो ताली ताली। बहुत बढ़िया भाई, वाह धर्मराज भैया बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप, वाह सुपर का पाठ। विक्टर भाई का जो है परीक्षा है और इनकी शादी हो रही है। साहब मेरे साथ क्या दुर्भाग्य हुआ कि जो मेरी शादी हुई वो मनपसंद लड़की के साथ नहीं हो सकी, मनपसंद लड़की के साथ नहीं हो सकी शादी। उसकी वजह मैं बताता हूं आपको, बताइए कि तिल का भला क्या रोता, तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया। तिल का भला क्या रोता वो ताड़ ले गया, पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया, और बांधी थी मैंने जिसमें उसे पाने की ताबीज, वो पेड़ ही नगर निगम उखाड़ ले गया। वाह 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 भाई वाह, जरा ढंग से ताली बजाओ भाई, ऐसे थोड़ा थोड़ा ताली बजाना, इधर आप लोग भी ताली बजाइए भाई। हाँ, समर्पण सब भरोसा कम हो तो संयुक्त परिवार नहीं चलता, पूंजी कमजोर हो तो व्यापार नहीं चलता। आप सब की तालियों का आभारी हूँ मगर इन जरा सी तालियों से काव्य का दरबार नहीं चलता। एक बार बजाइए ठीक से, मैं सुनाता हूँ, आगे सुनाता हूँ।
ये विक्टर भाई हैं। इनसे परिचय होने से पहले इनके जो बड़े भाई प्रधान जी हैं, उस समय प्रधान नहीं थे, उनसे परिचय हुआ, दोस्ती हुई। तो होली का समय था और यही लभुआ में तैनात था मैं। मैंने एक ट्रक दो नंबर की दारू पकड़ लिया। सीधी सच्ची घटना हूँ, सच्ची घटना आपको बताता हूँ। एक ट्रक मैंने दारू पकड़ लिया तो इनका फोन आया। ताली बजाओ। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया भैया, वाह। नहीं नहीं, मुलजिमों की सिफारिश में फोन नहीं आया, ये हकीकत बात है। हकीकत बताता हूँ, इन्होंने हमसे कहा कि मोटा जो माल पकड़े हो, मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, मोटा जो माल पकड़े हो महीन भी पकड़ो, और जो इनको बनाती है वो मशीन भी पकड़ो, और दारू भरा ट्रक पकड़ के इतराओ न ज्यादा। अरे हम आ रहे हैं एक ट्रक नमकीन। अब बताओ, हम अपनी नौकरी करके अगर किसी तरह से एक ट्रक दारू पकड़े तो इनके लिए एक ट्रक नमकीन हम पकड़े। ऐसे हमारे प्रधान जी, इनके लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। वाह, माइक वाले भैया जितना तुम कर सकते हो उतना तुम कर रहे हो। खैर, एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए, लेकिन ताली बजा दीजिए। और लालजी देहाती दादाजी आए पढ़े जी, और उनके पढ़ने के पहले विक्टर सुल्तानपुरी जी ने जो भी बुजुर्ग लोग आए हैं उनके सम्मान में जो जो बोला तो ऐसे बोला कि जैसे इस दुनिया के सारे बुजुर्ग जो हैं वो बुरे हैं और जो लभुआ क्षेत्र के बुजुर्ग हैं वो बड़े अच्छे हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया भैया। ऐसे जैसे लंबुआ क्षेत्र के बुजुर्ग बड़े अच्छे हैं, जबकि मैं जानता हूं, मैं यहां तैनात रहा हूं, कि यहां के बुजुर्ग भी वैसे हैं जैसे हर जगह के बुजुर्ग हैं। मैं एक कब सम्मेलन कराने जा रहा था जी भैया, एक बुजुर्ग 80-85 साल के टेकते टेकते धीरे 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 हमारे पास आए और बोले कि बेटा कब सम्मेलन करवा रहे हो। हम कहें हाँ दादा कब सम्मेलन करवा रहे हैं। कहें बेटा तुम भी पढ़ोगे। हम कहें हाँ दादा हम भी पढ़ेंगे। तो कहें बेटा, कान में धीरे से कान के पास आए, कहें बेटा कोई कवियत्री अभिनेत्री लाए हो। वाह क्या बात। हमने कहा दादा अब तुम्हारी जो उम्र है उसमें क्या कवि क्या कवियत्री, अरे पढ़ना है सुनना है, हम पढ़ने वही सुन लो। उन्होंने कहा बेटा बेटा सुन तो तुम्हारी भी लेंगे, सुन तो तुम्हारी भी लेंगे, लेकिन माफ करना बेटा तुमसे वो फीलिंग नहीं आती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या व्यंग है भाई। फीलिंग की जवाब दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती। दबे वो पांव चलते हैं, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती। बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे, बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे, ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। आप लोग कब सम्मेलन कराते हो देखते हो, ऐसा नहीं है कि कब सम्मेलन केवल आप लोग कराते हो। हमने बतौर कोतवाल रहते हुए अपने थाने में कब सम्मेलन कराया। कवियों ने बड़ी अच्छी अच्छी डिमांड की, किसी ने 25,000 मांगा, किसी ने 50,000 मांगा, विक्टर खुद 50,000 मांगे थे। तो हम कहे कि भाई जिसका जो डिमांड है आप लोग आइए कविता सुनाइए और आकर के अपना डिमांड जो भी पैसे का है वो लेकर जाइए। ये सारे कवि लोग आ गए। बहुत शानदार कवि सम्मेलन थाने पर मैंने कराया। जब सुबह हो गई, एकदम कवि सम्मेलन बंद होने का समय आ गया, जिसका जो लिफाफा तय था 25,000 50,000, विक्टर को भी मैंने 50,000 दिया, तय था सबके हाथ में मैंने रख दिया। विक्टर की आंख में एकदम आंसू आ गए, बिल्कुल आंख में आंसू आ गए। कहने लगे भैया बहुत सब पुलिस को बुरा कहते हैं, बहुत बुरा कहते थे, मैं भी गुमराह था, लेकिन एक बात आज मैं जान गया हूँ। हमने कहा क्या जान गए हो, तो ये बोले कि मैं जान गया हूँ कि पुलिस जो है देना भी जानती है। क्या बात है, वाह वाह। जो 50,000 आप दिए थे आज वो ले लेना।
क्या बात है भाई। तो कहा कि पुलिस ट्रेनर भी जानती है, हमने कहा सब जानते हैं, तो ये कहे कि दादा भैया तो अब हम क्या जा सकते हैं? हम कहे पैसा तुम्हारे हाथ में दे दिए जाओ। सब लोग गाड़ी में बैठ करके चलने लगे। लभुआ की ही बात है, आगे जैसे ब्लॉक चौराहा पड़ा वहाँ हमने चेकिंग लगवा दिया। क्या बात है, बहुत जुगाड़ी होती है पुलिस यूपी वाली विशेष कर। वहाँ हमने चेकिंग लगा दिया, जिसके पास जो भी ये लोग थे हमने सबकी तलाशी लेना शुरू किया। इनसे बिक्टर ने रात में पढ़ा था कि जो देशद्रोही होगा, जो जो सामाजिक समरसता की बात नहीं करेगा उसको पिस्तौल से मार दूंगा। कविता में बहुत धुआंधार लाइन पढ़ा था, बहुत तालियां बजी थी। हमने कहा बिक्टर पिस्तौल दे दो भैया। हमने कहा बिक्टर पिस्तौल दे दो भैया। इन्होंने कहा भैया पिस्तौल हमारे पास कहाँ है? हमने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर रात में तुमने कहा है पिस्तौल से मारेंगे तो पिस्तौल देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, वो भी रात में कहे हो। और फिर इन्होंने कहा तलाशी ले लीजिए। हमने इनको अलग हटा दिया, 10-20-25 कदम और दूर हटा दिया, और इसके बाद उनकी गाड़ी की तलाशी लिया। यकीन मानिए पिस्तौल बरामद हो गए। वाह। अब इनका तो इनका जो और कभी लोग थे ये लोग कहने लगे हमसे क्या मतलब है? हमने कहा कि भाई देखो ऐसा मुखबिर ने मेरे बताया है कि पूरा गिरोह रात में कहीं एक साथ रहा है। क्या बात है, कवियों का गिरोह। एक बार ताली बजाओ यार, तब मजा आवे। डकैत साबित कर दिया आप तो, जो तालियां भाई एक बार और होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ रहे हैं भैया। हमने कहा कि हमको पता लगा है कि पूरा गिरोह रात में कहीं साथ में रहा है। विक्टर ने कहा कि पूरा गिरोह क्या साथ में रहा है, पूरी रात आपके थाने कविता पढ़ी, आप खुद गवाह हैं। तो हमने जो बात कही वो ध्यान दीजिएगा, हमने कहा भैया ऐसा है कि हम गवाह जरूर हैं लेकिन अदालत में हमारी गवाही नहीं मानी जाती है। वाह। हम जो बरामदगी करते हैं वो मानी जाती है, हम जो गवाही देते हैं वो नहीं मानी जाती है। फिर जो तय था भाई साहब, जिसका 25,000, 25,000, 50,000, 50,000 जो तय था, सबसे धीरे धीरे हमने वापस ले लिया। सब लोग पैसा वैसा दे करके एकदम खाली हो गए, चलने लगे। जब चलने लगे तो विक्टर ने कहा कि भैया एक बात बता दो कि आपने पैसा हमको दिया भी और लिया, तो एक चीज बता दो कि जब पैसा आपको वापस लेना था तो पैसा आपने दिया क्यों था? अरे हमने कहा जो दिया था वो हमारा फर्ज था, और जो लिया है यही हमारा असली धंधा है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। वाह। आने वाले सभी कवियों के लिए बता रहा हूँ कि माइक में जो कमी है उसको मैंने खोज लिया है। आप इधर उधर जब माइक को हटाते हैं तब ये आवाज गायब कर देते, एक जगह स्थिर करके आप लोग अगर बोलते रहेंगे तो आवाज क्लियर रहेगी। एक बार ताली बजा दीजिए भाई। बहुत बहुत शानदार। कि पकड़ा गया बदमाश बहुत शातिर अपराधी था, जेल तोड़ने हत्या करने डाके मारने का आदि था। यूं तो कर चुके थे उससे तमाम पुलिस वाले अपनी भाषा में पूछताछ, मगर उगलवा नहीं पाए थे उससे, न कुछ आम न कुछ खास। चल चुके थे उस अपराधी पर लाठी डंडे पट्टे जूते लात, चुप चुप तमाशा देख रही थी क्या क्या हवालात। फिर एक दरोगा जी बोले ये ऐसे नहीं बताएगा, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको करंट लगाओ। तो एक अधिकारी बोले कि करंट वरेंट रहने दो, धर्मराज को बुलाओ। धर्मराज मेरा नाम है। फिर इसके बाद उस अपराधी से पूछताछ का जिम्मा मेरे सर पर आया। मैंने दो कप चाय, एक अपने लिए एक उसके लिए मंगाया। मैंने कहा घबराओ मत, मैं मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ हंसता और मुस्कुराता हूँ। तुम मेरी कविता सुनो, तुम आराम से चाय पियो, मैं तुमको अपनी एक कविता सुनाता हूँ। फिर मैंने उसे सुनाई एक कविता, कुछ गजल कुछ रुबाई। सुनते सुनते उस बेचारे की आंखें भर आई थी। ठंडक था जनवरी का महीना, एक घंटे में हो गया पसीना पसीना, और हाथ जोड़कर मुझसे बोला गुरुजी आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, आपके सामने मेरा तजुर्बा बहुत ही कच्चा है, और आपकी कविता सुनू उससे तो उधर जाकर लात जूता खा लूं वही अच्छा है। क्या बात है। वाह।
मैं कड़क कर बोला कि नहीं बताएगा तो और कविता सुनाऊंगा। वो हाथ जोड़कर बोला, माई बाप मेरे बाल बच्चे हैं, सब कुछ बताऊंगा। बता दिया उसने मुझे सब कुछ बात बात में। मारपीट नहीं करता हूँ, सिर्फ मैं कविता सुनाता हूँ हवालात में। आगे की बात फिर कभी बताऊंगा, तालियां बजाइए, मैं ऐसे सारी रात कविता सुनाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पिछले साल मैं आ रहा था, कवि सम्मेलन था लम्बुआ में, विक्टर भाई ने कराया था, आ रहा था, लेकिन चलते समय एक दुर्घटना हो गई। दुर्घटना यह हो गई कि मेरी पत्नी मुझे टीका लगाने लगी। जब मुझे टीका लगाने लगी तो मैंने कहा कि डार्लिंग ऐसा टीका लगा दो कि जिस किसी सुंदर महिला को मैं फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूं वो तुरंत एक्सेप्ट हो जाए। हर आदमी यही चाहता है यार, कोई हमने गलत चीज तो कहा नहीं। यकीन मानिए भाई साहब, सात टीका लग गया और 14 टांका लग गया। सात टीका लगे और 14 टांका लगे और सब जो है डॉक्टर ने लगाया। फिर एक बार ताली बजाइए, फिर से शुरू करता हूं एक बार नई ऊर्जा के साथ। इशारा हुआ है कि अब खत्म कर दीजिए, तो एक बार ताली बजा दीजिए। बस अंतिम रचना आपको सुना के खत्म करता हूं कि मैं मंच पर कविता के क्यों आया। 2-3 मिनट का है। मैं मंच पर कविता के क्यों आया, क्योंकि कवियों ने जो सबसे ज्यादा ललकारा अगर किसी को तो नेताओं को और पुलिस को। जब 100 नंबर आई तो जनता ने कहा कि अब 100 नंबर डायल कर दो तुरंत पुलिस आ जाती है, तो इन्होंने कहा कि अब 100 रुपया दे दो तो चली जाती है। फिर एंटी रोमियो आया तो भी इन लोगों ने उसकी बुराई शुरू की। तब मैंने क्या कहा, छेड़खानी से पीड़ित एक ननद है और वो अपनी भौजाई से क्या कहती है, ये पैरोडी मेरी सुनिए आप लोग, कि आवत जावत राह में छेड़े, आवत जावत राह में छेड़े इलाका के रूपाजी, आवत जावत राह में छेड़े इलाका के रूपाजी, ए भौजी 112 लागी कि ना लागी। क्या बात है, वाह। और देखी देखी गाना गावे रोके खड़े राहबा, सबक सिखावे कोई इनका यही चाहबा। और लात के भूखे हैं तही चारे, लात ऐसे हुई है राजी, ए भौजी 112 लागी कि ना लागी। भौजाई ने कहा कि घूमे गाड़ी चारों ओर तनिक नहीं देर बा, लुच्चा लफंगा केरी अब नहीं खैर बा, आई गए एक फोन पे हमरे देखा दरोगा जी, ए दरोगा जी अरे गुंडा भागी कि ना भागी। तो आई गई पुलिस देखो बदल गया मैच रे, भाग नहीं पहले गुंडा हो गए कैच रे, और पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दो जी, ए दरोगा जी। एकदम असली बात। जनता जो है बहुत लंबे लंबे मुकदमे नहीं चाहती, वो पुलिस से जो चाहती वो असली बात बताता हूँ आपको कि पकड़ के ले जा थाने रपट लिखा दो जी, ए दरोगा जी अरे पट्टा बाजी की ना बाजी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।